जिन पुलिसकर्मियों के हाथ में लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही पुलिस लोगों को लूटने लग जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुनानगर में डायल 112 पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने एक शख्स से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल हरियाणा में जहां डायल 112 को सरकार ने क्विक सेवा के लिए तैनात किया था और प्रदेश भर में इसकी तारीफ भी हो रही थी, तो वहीं अब डायल 112 की छवि को धूमिल करने वाला मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत आई है कि योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हिमाचल के रहने वाले एक शख्स के साथ 7 लाख रुपए की लूट की। पौंटा साहिब के रहने वाले शिकायतकर्ता अनिल के मुताबिक उसका हिमाचल में एक होटल और एक कॉलेज है, जिसके फर्नीचर खरीदने के लिए वो 7 लाख रुपए लेकर अपनी कार से यमुनानगर जा रहा था। रास्ते में प्रतापनगर के बाद उससे एक युवक ने लिफ्ट मांगी, उसने स्टूडेंट समझकर उसे बैठा लिया। कुछ देर बाद युवक ने पानी पीने के लिए कार रुकवाई और फिर से वो चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल नेटवर्क का बहाना बनाकर उस युवक ने फिर से कार रुकवाई और उसने एक फोन कॉल की और चंद सेकंड में वहां डायल 112 पहुंची, जिसमें 3 पुलिस वर्दी में और एक सादी वर्दी में कर्मचारी तैनात थे, जिसके बाद 5ों ने मिलकर उसकी कार की तलाशी ली और उसकी कार में बैग में रखे मौजूद 7 लाख रुपए लेकर वो सभी रफू चक्कर हो गए। एक राहगीर ने पीड़ित को प्रतापनगर पुलिस थाने का नंबर दिया, जिसके बाद मौके पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी पहुंची और उसकी शिकायत ली। SHO राकेश राणा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, मुख्य आरोपी और उसके साथी अभी फरार हैं। देखिए, अनिल नाम का व्यक्ति है जो मोटा साहब करने वाला है, वहाँ पे उसका कॉलेज है, किसने होटल ले रखा किराए पे, तो ये कह रहा है कि मैं कल फर्नीचर लेने के लिए उन्होंने रहा था और मैं 7 लाख रुपए और 2 ब्लैंक चेक कैरी कर रहा था, तो खीराबाद के नज़दीक आके एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट ली है और उसको मैंने गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी दूर जाके उसने गाड़ी को रुकवाया कि मुझे कोई मेल वगैरह करनी है, तो जैसे ही वो मेल वगैरह करने लगा, इतनी दौरान पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से 3 मुलाजिम और 1 सिविल में व्यक्ति उतरता है, उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के दौरान वो मेरा जो जिसमें पैसे थे, पेमेंट थी, वो और उस लड़के को जो गाड़ी में बैठा था उसको अपने साथ बिठा के और मेरी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो अभी मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी मामले में हमें पूछताछ में अपनी आदमी का पता है, उन्होंने नंबर दिया था हमारे को, जो उसमें हमने उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है आदमी को, और 3 मुलाजिम जो हमारे उसके थे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनको हमने हिरासत में ले लिया। बाहर के भी कुछ लोग हैं पुलिस के लिए? हाँ, जो बाहर के भी हैं उनके लिए हम वेट कर रहे हैं लगातार। उनके बारे में जानकारी? हाँ, उनके लिए अभी पूछताछ कर रहे हैं, रात ही मुकदमा दर्ज किया है, मुलाजिमों से पूछताछ कर रहे हैं, उनका रिमांड हासिल करेंगे और आगे उनसे पूछताछ करेंगे। मुलाजिमों को जानकार थे? हाँ, जानकार तो नेचुरली है कि है। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इसमें? पूरी जैसे पुलिस मुलाजिम भी है शामिल, लूट हुई है? हाँ, लूट में हमने पर्चा दर्ज किया 395 सेक्शन के अंतर्गत, 395, 120 भी और 506 के तहत, तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल करेंगे, बाकी भी पूछताछ जारी। फिलहाल सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर ये एक धब्बा इन पुलिस कर्मियों ने लगा दिया है। पुलिस पर जनता को कितना विश्वास है शायद ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से जनता और पुलिस कर्मियों के बीच खाई कम नहीं बल्कि अविश्वास की खाई और ज्यादा पैदा होगी। फिलहाल देखना होगा कि लुटेरे पुलिस कर्मियों का इरादा सिर्फ लूट का ही था या फिर कुछ और। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।